साक्षात चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश, गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश, गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास, गुरु सूर्य चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। जितेंद्र जितेंद्र भाई, पीयूष जितेंद्र भाई, जयजिंद्र, तुम्हारा अवाज नहीं आता, अवाज नहीं आता, तो वॉइस पहुंच गया, आपने अनम्यूट किया था ना तो। हाँ वो हाँ, अभी तो म्यूजिक चल रहा था। हाँ अभी तो म्यूजिक चल रहा था। ओके माइक्रोफोन पे चालू किया। हाँ हम लोग भाई, आशीर्वाद ऑलराइट गुरु आपो आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद, भैया हमने आपो आशीर्वाद, आशीर्वाद आपो गुरु जी आशीर्वाद, हमारे वंदन आशीर्वाद गुरु जी हमारे वंदन आशीर्वाद गुरु जी हमारे वंदन आशीर्वाद गुरु जी हमारे वंदन हमें आपो आशीर्वाद। वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन जैन संघना બધા ટ્રસ્ટીઓને ભારતથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આજની આ માંગલિક ઘડી જ્યારે ગુરુ ભગવંતોની છત્ર છાયા, ગુરુ ભગવંતોના આશીર્વાદ, ગુરુ ભગવંતોની નિશ્રામાં જે અમે એક ઐતિહાસિક ઘડી પલ આવ્યા છે, હું વિનંતી કરીશ પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ। આજે રવિ પુષ્ય નક્ષત્ર 500 વર્ષમાં એકવાર આવે એવું આ નક્ષત્ર છે। આજના ટાઈમમાં આપણે આ શુભ મુહૂર્ત પ્રતિષ્ઠાનો લઈ રહ્યા છીએ એ બહુ જ અત્યંત હર્ષનો વિષય છે। આપ બધા તાળીઓથી નાદથી વધાવો અને રિયલી આજનો દિવસ બહુ શુભ છે। મને કેટલા જણે કીધું આજે કેટલા સાધુ ભગવાનના પ્રવેશ થયા, આજે કેટલા નવા મુહૂર્ત થયા, તો આજે આપણે વાંસિંગ સંઘ સાથે અમદાવાદવાળા ટ્રસ્ટીઓ પણ જોડાય અને ગુરુદેવને વિનંતી કરે છે કે સાહેબ આપ કંઈ ફરમાવો અને શુભ મુહૂર્ત આપો। ગુરુ ભગવાનને આપણે બધા સાથે ગુરુવંદન કરશું। પહેલા અજય સાગર માર સાહેબને પ્રકાશ ભાઈ પટેલ ભરતે વચ્ચે આલાવે સલાવે ઉચ્ચારણે સમાસણે અંતરભાષાએ ઉરી ભાષાએ જંકિંચી મધ્ય ભેદા परिणाम सोम व भैरव व तुभे जाना हम ने नहीं समय शासन भगवान की बोल रहे हैं श्याने को फिर वंदा अभी
इच्छामि क्षमा सुमिरो वंदे आचार्य प्रसन्न सागर मार साहब ने अपने सामूहिक श्री प्रसाद साहब हमारे साथ मेरे तरह होते हैं प्रसाद प्रसाद जी और आपने प्रसन्नता के बारे में देखिए वंदन गुरु वंदन ये ओके त्याग कर मंगलाचरण गुरु भगवान फरमावे छे मंगलाचरण गुरु मंगलाचरण नमो लोए सब सारुणं ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सुलभद्रात्या जैन धर्मो सुमंगलम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेवे नमः प्रकाशो आचार्य प्रशांत सागर मार साहेब अपने प्रवचन मांगलिक प्रवचन संभरावे छे हवे विनंती अत्यारे करिए के पछी करिए पछी अजी मोटा मारा साहेब आवशे पछी प्रज्ञेश भाई आपने लेसु बहुत खुशी की बात है वापस अपना मिलना हुआ ऑनलाइन के माध्यम से अंजन सला का प्रतिष्ठा के सारे संस्मरण आज वापस स्मरण में स्मरित हो रहे आप सभी को खूब खूब साधुवाद खूब धन्यवाद वहां पर रह करके भी आपने अपने धर्म को छोड़ा नहीं है और धर्म के लिए आपने वफादारी रखी है उसके लिए दिल से जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। अपने यहाँ पर ज्ञानी भगवंतों ने कहा है श्रद्धा परम दुर्लभ हो। दुनिया के अंदर सबसे दुर्लभ यदि कोई तत्व है तो वह श्रद्धा है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन श्रद्धा परम दुर्लभ माना गया। जिसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए समर्पित भाव आना चाहिए और वो समर्पित भाव किस प्रकार से होना चाहिए यहां पर ज्ञानी भगवंतों ने कहा है यहां पर ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि श्रद्धा अपने जीवन का निर्माण करने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन के समान बनी गई है। फाउंडेशन यदि मजबूत होगा तो बिल्डिंग को कभी नुकसान नहीं होगा। फाउंडेशन यदि मजबूत होगा तो अंदर रहने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। फाउंडेशन यदि मजबूत होगा तो व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। एक बिल्डिंग के फाउंडेशन के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन अपना परिवार के साथ में अच्छी तरह से वो व्यतीत कर सकता है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ में। बिल्डर के ऊपर भी कितना भरोसा कि भूकंप भी आएगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। और इस प्रकार से आप तो वहां पर बड़ी बड़ी मंजिलों में रहते होंगे कोई 50 माला कोई 100 माला वहां पर भी कितने आत्मविश्वास के साथ में वहां पर आप निवास करते हो लेकिन
वहां तो अपना जीवन व्यतीत करना है, लेकिन यहाँ पर तो धर्म के प्रति हमारी आत्मा को समर्पित करनी है। और वह गुण है आप सबके अंदर जो आपके प्रति, आपको परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है बहुत ही अद्भुत, और वही श्रद्धा के परिणाम के कारण से आपकी आत्मा का जल्दी से जल्दी कल्याण होगा। वहां पर रह करके कितनी भावना, कितनी सरलता, वह तो मैं उस अंजन सला का प्रतिष्ठा के समय का मैं साक्षी हूं। ऐसी सरलता, ऐसी निर्मलता आना बहुत डिफिकल्ट है। एक बहुत एक पुरानी एक घटना, कैसी परमात्मा के प्रति श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति थी, वडनगर की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर कल्पसूत्र की वाचना हुई थी। तो वो वडनगर के अंदर एक व्यक्ति वहां पर रहने वाला, लेकिन उसको जाना पड़ा जो आज का केसरिया जी, वहां पर वो परमात्मा की पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर वो जाता, वहां रहता था। किसी कारण से परिवार वालों ने उनको वापस बुलाया और कहा कि घर का ऐसा कुछ कारण है कि तुमको अपना केसरिया जी छोड़ करके वापस वडनगर आना पड़ेगा। पहले तो इग्नोर किया, एक बार दो बार पत्र गया, इग्नोर किया, आखिर में परिवार वालों ने एक ऐसा पत्र लिखा जिसके कारण से मजबूरी से उसको परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके आना पड़ा। लेकिन उसकी भक्ति किस प्रकार से थी, उसकी भक्ति ऐसी अद्भुत भक्ति थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि मैं परमात्मा के मंदिर के अंदर अपने भक्ति गीत गाने के लिए जाऊं, रात को भावना करने के लिए जाऊं। और संकल्प कैसा था कि जहां तक मैं भक्ति करूं और भक्ति पूरी तभी करूंगा कि जहां तक परमात्मा की मूर्ति के ऊपर से फूल उड़ करके मेरी गोदी में न आए वहां तक मैं अपनी भक्ति बंद नहीं करूंगा। सारा का सारा केसरिया जी का नगर ये चमत्कार रोज देखने के लिए आते थे और उसका यह प्रतिदिन का नियम था। परमात्मा की भक्ति में ऐसा तल्लीन बन जाता था, ऐसा लयलीन बन जाता था, कुछ भी नहीं दिखता था, ना उसको अपना संसार, ना अपना परिवार, कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा तू ही मेरा तारणहार है। इस प्रकार से रोज का उसका नियम, परमात्मा की मूर्ति के ऊपर से फूल उड़ करके उनकी गोदी में आता, तो उसके बाद में परमात्मा की भक्ति को सर्व मंगल करके अपने घर पर जाता, वापस सुबह होते ही परमात्मा की भक्ति में वो मस्त बन जाता। परिवार के किसी कारण से उनको वहां पर आना पड़ा, बिलखता हुआ, रोता हुआ, बालक की तरह कहने लगा परमात्मा को, हे परमात्मा इससे तो अच्छा मैंने दीक्षा ले ली होती तो, हे परमात्मा ये संसार की गुलामी मुझे नहीं करनी पड़ती, लेकिन आज ये संसार की गुलामी करने के लिए मुझे इस प्रकार से वापस मेरे गांव वडनगर जाना पड़ रहा है। हे परमात्मा तू मुझे किसी भी प्रकार से ऐसा रास्ता निकाल कि मुझे ऐसी गुलामी करनी नहीं पड़े। इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ वो व्यक्ति वहां पर निकलते हुए वडनगर पहुंचा। और वहां पर पहुंचने से पहले उस मंदिर के अंदर, केसरिया जी के अंदर देविक चमत्कार हुआ, रोज चमत्कार होता था, लेकिन वहां पर संकेत दिया गया देव के द्वारा कि तुम जाओ, मेरा स्वरूप तुझे उस तेरे गांव के अंदर मिलेगा। जब हम परमात्मा के मंदिर के दर्शन करने के लिए वडनगर में हम जब गए, तब वहां के व्यक्तियों ने वहां पर भोजकों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर आज भी वडनगर में है। भोजक यानी आज के संगीतकार, लेकिन उस समय भोजक सिर्फ जैन समाज के पास में ही हाथ लंबा करते और जैन समाज ही उनका पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ करते। तो यह उस व्यक्ति, वो भोजक, भोजकों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, और वहां पर आज भी जब कभी भी इंडिया आना हो तब वडनगर जाना और भोजकों के द्वारा बनाया हुआ जो मंदिर है वहां पर जो मूल नायक विराजमान है उनके आगे जिस परमात्मा की पूजा करते थे, जिस अंगूठे में पूजा करते थे, नौ अंगी पूजा करते थे, उस परमात्मा के एक अंगूठे का स्वरूप आज भी मूल नायक भगवान के आगे आकर के स्थापित हो गया है। और क्या उसकी भक्ति,
परमात्मा के स्वरूप को देख करके, अंगूठे को देख करके इतना खुश हो गया, मेरे परमात्मा मेरे आदिनाथ मुझे मिल गए, इस प्रकार की खुशी में मस्त बना हुआ था। और उस व्यक्ति को हम रोज याद करते हैं, उस व्यक्ति को हम रोज याद करते हैं, लेकिन उसका इतिहास शायद आपको मालूम नहीं होगा। रोज आप प्रतिदिन आरती उतारते, अंतिम लाइन क्या बोलते हो, मूल चंदे ऋषभ गुण गाया। ये उस आत्मा की, यह पुण्यशाली आत्मा के जीवन की यह घटी हुई घटना मैं कह रहा हूं, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियल में घटी हुई घटना। और गुरु महाराज के साथ में जब हम वहां पर वडनगर गए, तब गजानन ठाकुर ने गुरु महाराज को कहा था कि साहब ये इसके इस मंदिर का ये इतिहास है। तो मैं आज भी वडनगर को रोज याद करता हूं और उनकी भक्ति को मैं रोज याद करता हूं, कैसी उसकी अद्भुत भक्ति थी। प्रतिदिन का नियम कि जहां तक परमात्मा की मूर्ति के ऊपर से फूल उड़ करके नहीं आए वहां तक मैं मेरी भक्ति बंद नहीं करूंगा। तो हम भी इस प्रकार से अब आपके सामने पूज्य गुरुदेव श्री आप विनंती करेंगे, मुहूर्त प्रदान करेंगे और प्रतिष्ठा बहुत शुभ मुहूर्त के अंदर होगी। आपको भी वहां बैठ करके संकल्प करना है, पर आपको भी बैठ करके वहां पे संकल्प करना है कि परमात्मा तेरी मूर्ति के ऊपर से फूल उड़ करके जहां तक मेरे गोदी में नहीं आए वहां तक मैं घर नहीं जाऊंगा। संकल्पात जायते सिद्धि, जो व्यक्ति संकल्प करता है उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। और आप सब पुण्यशाली हो, सरल आत्मा हो, धर्म को हृदय में स्थापित किया हुआ है और यही धर्म को स्थापित किया हुआ और श्रद्धा के साथ में जो धर्म आराधना आप कर रहे हो उसके लिए बहुत जल्दी धर्म फलीभूत होगा। और बहुत ही जल्दी इस जिन शासन को जो प्राप्त किया है उस जिन शासन की प्राप्ति करके आपकी आत्मा का कल्याण हो और आपके आपकी उदारता, आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपकी आपको परमात्मा के प्रति रही हुई श्रद्धा, उन सब के लिए मैं तो बहुत बार प्रवचनों के अंदर जुहू में भी चतुर्मास था तब भी अमेरिका के अपने आप लोगों की सबकी बहुत गुणों की अनुमोदना करता था। बहुत जगह पर मैंने अनुमोदना की ताकि यहाँ के लोगों को भी प्रेरणा मिले परमात्मा के प्रति, इस प्रकार से हमारा भी समर्पित भाव आए, ऐसी प्रेरणा मैंने उनको भी दिया है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आज के दिन आप सबको मंगल शुभकामना। पूज्य गुरुदेव श्री अभी पधारेंगे, उसके पूर्व पूज्य अजय सागर श्री महाराज वो भी अपने को आशीर्वचन देंगे और गुरु भगवंत यहाँ पर अभी तुरंत ही पधारेंगे और गुरु भगवंत के श्री मुख से भी हम प्रवचन सुने, उनका आशीर्वाद ले। और आप पूरे श्री संघ की ओर से अमेरिका के संघ के अपने सभी सदस्य और भारत के अंदर जो रहे हुए अपने श्रेष्ठ जी आए हुए हैं, रत्नमणि जी वाले प्रकाश भाई, कुशलराज जी, पीयूष भाई, हेमल भाई, ये सब लोग मिलकर के पूज्य गुरुदेव श्री को विनंती करें और उसके बाद में गुरु भगवान जो मुहूर्त होंगे और वो मुहूर्त देंगे और अपना अपने श्री संघ का कार्य बहुत ही सुंदर रूप से फलीभूत हो और संघ की हर तरह से उन्नति हो, यही अपने आज के दिन संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के भगवान को हम प्रार्थना करते। और संयोग आज हम यहाँ पर गांधीनगर में यहाँ पर भी संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जिनकी प्रतिष्ठा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज से 38 साल पहले करवाई थी, तो ये संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया के अंदर हम रहे हुए हैं और आज अभी पूज्य गुरुदेव पूज्य अजय सागर श्री महाराज की आशीर्वाद अपन ग्रहण करेंगे। नानाकृति द्रव्य भावै पुनत स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरतः समुपासमहे। कलकार सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री सुरजी महाराज की जिन्होंने सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल जैसे राजाधिराज उनको प्रतिबोधित किया था और वे परमात्मा के लिए बता रहे हैं कि परमात्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो उसके कितने आयाम होते हैं। क्योंकि नाम होता है परमात्मा का कि महावीराय नमः, आकृति होती है परमात्मा की जो कि आपने बहुत चाव से, बहुत उल्लास से, बहुत जो भाव से, जो एक अद्भुत शिल्प के विधान के माध्यम से शांतिग्राम में हेमल भाई आदि की देखरेख में
बहुत सुंदर तरीके से वह आकृति का निर्माण करवाया और फिर उसके लिए श्रेष्ठ द्रव्य, जैसा जैसा वो द्रव्य नहीं था, जो पत्थर था वो बहुत ही उच्च जाति का आपने लिया था, उत्तम द्रव्य से परमात्मा की वह प्रतिमा बनी। और चौथा आता है भाव, यानी कि जो परमात्मा की जीवंतता समसरण में रहे हुए तीर्थंकर, वह भाव तीर्थंकर कहे जाते हैं। और यूं तीर्थंकरों का जीव द्रव्य वो किसी भी भाव में रहा वह द्रव्य तीर्थंकर कहा जाता है, और जो मूर्ति है वो स्थापना तीर्थंकर कही जाती है। श्री मंदिर स्वामी परमात्मा आदि विश्वर्मान है, वे समसरण में विराजमान होकर के जब वो देशना देते हैं तो वो भाव तीर्थंकर कहे जाते हैं। हमारे सामने भाव तीर्थंकर नहीं है, हमारे सामने मुख्य रूप से दो है तीर्थंकर, एक है कि उनका नाम है और दूसरा है कि उनकी आकृति है, उनकी प्रतिमा है। बाकी तीर्थंकर का कोई जीव यदि हमारे बीच में है भी सही तो हमें पता नहीं कि कौन है करके। हाँ, श्री संघ में तीर्थंकर के जीव होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। बस तो आज आपने नाम भी प्राप्त किया तीर्थंकर के आलंबन के लिए, और आपने आकृति भी वह जो है ना एक श्रेष्ठ कक्षा की आपने प्राप्त की, और उसमें भी जब अंजन विधान करवाया जाता है तब वही प्रतिमा वह अब हमारे दिल के लिए उसके प्रभाव से भी अब पूजनीक बनती है, वंदनीक विशेष रूप से बनती है। आपने खूब उल्लास से परमात्मा में वह पूज्यता का तत्व, उसके पांच कल्याणकों के विशिष्ट विधान आदि के माध्यम से स्थापित करवाया। अब है क्षेत्र काले च, एक क्षेत्र फैक्टर है, एक काल फैक्टर है, कि जिस भी क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा रहे हो, जिस भी स्वरूप में, उन सबको मैं वंदन करता हूं, और जिस भी काल में रहे हो, भूतकाल अनंत हो गए, भविष्य में भी और वर्तमान के भी बीच विहरमान, उन सबको मैं वंदन करता हूं। इसमें अब आज का दिन है वो उस काल फैक्टर के लिए कि प्रतिमा का अंजन तो हो गया, अब प्रतिष्ठा के लिए आगाज हो रहा है, पूर्व तैयारियां हो रही है कि चलो कि कब भगवान को हम मन मंदिर में से, मन मंदिर में तो कुछ कुछ बैठाया हुआ है लेकिन पूरी तरह से भगवान की मंदिर में, यानी कि जिन मंदिर के साथ साथ मन मंदिर में भी पूरी तरह से प्रतिष्ठा कर ले। हाँ, प्रतिष्ठा विधान का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि मात्र भगवान को जिनालय में, गर्भगृह में, जिन मंदिर में प्रतिष्ठा करवा देनी, उनको वहां पे विराजमान कर देना और उनको वहां पे स्थिर कर देना, वह जो है ना एक्सटर्नल पार्ट है। प्रतिष्ठा का मूल विधान तो यह है कि उसके साथ साथ हमारे हृदय मंदिर के अंदर, मन मंदिर के अंदर भी परमात्मा आकर के उसी तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाए कि जो उनके दिव्य प्रभाव से हमें सतत हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन वो हमें मिलता रहे, हमारे जीवन में हमें बाहरी प्रेरणा वहीं से आने वाली बने। तो भगवान को जिन मंदिर में और साथ साथ में हृदय मंदिर में बैठाने का जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त भी एक श्रेष्ठ मुहूर्त में लिया जाने की बात है। हाँ, प्रकाश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग, ये कॉम्बिनेशन इस बार वाला जो है वो बहुत कम बनता है। तो मुहूर्त लेने का भी एक श्रेष्ठ मुहूर्त आपको मिला है कि आज के दिन में, और वो भी देखिए शाम के, यानी कि दो धूली का समय कहा जाता है, जब गांव में होते हैं तो ये समय होता है कि जब गाय जो है वह चर करके जंगल से वापस गांव में आती है, और उस वक्त जो धूल उड़ती है वो बहुत ही पवित्र कही जाती है। वो समय जो गाय को धूल उड़ाने का गांव में प्रवेश करते हुए, क्योंकि तृप्त होकर के आई है, वो सुबह जाती है भूखी जाती है, लेकिन दिन भर जो चर करके तृप्त होकर के वापस लौट के आई है,
और उनके जो है ना अंदर दूध भरा पड़ा है कि जो यू बस बरसाने वाली है, वह क्षण है, वह वेला ही है, वो धूलि की वेला कि जिस वक्त आपको यह मुहूर्त गुरु भगवान के श्रीमुख से प्राप्त करने का ये अवसर हो रहा है। काल में एक बहुत बड़ी शक्ति रही हुई, मुहूर्त में बहुत बड़ी शक्ति रही हुई है। आपका जब संकल्प बनता है कि मैं इस दिन एक प्रभु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाऊंगा, उसके साथ ही कुदरत बिल्कुल अपने जो स्वरूप बताती है, जैसा मुहूर्त वैसे संजोग और निमित्त आपको लाला करके देगी। यदि आपने गलत मुहूर्त में कोई शुभ काम करने का संकल्प ले लिया तो वो मुहूर्त ही जो है ना आपके काम को आगे नहीं बढ़ने देगा कि इस वक्त में ये काम करने वाला हूं। वो वक्त यदि आपने गलत चुना हुआ है तो काम तो ठीक है, लेकिन आपका ये काल जो था, समय का जो आपने निर्धारण किया था, वह काम बिगाड़ भी सकता है। और वही मुहूर्त वो अनेक प्रकार से यदि सही मुहूर्त है, ग्रहों की दशा स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, वार वगैरह एकदम सही उसका संतुलन है, तो वही मुहूर्त वो अनेक प्रकार से मुहूर्त ग्रहण करने के दिन से जैसे यूं जो भूखा नहीं रह जाता, लेकिन जैसे पचखान लेते हैं और पता नहीं क्या होता है कि वो उपवास हो जाता है। जैसे पचखान का यह फल है कि संकल्प किया कि बस वो सिरे ही, और उसके साथ ही पता नहीं वो अंदर से क्या होता है और सहजता से उपवास हो जाता है, वैसे ही आज का दिन है वो आपके इस संकल्प का दिन है कि आप तय करोगे कि गुरु भगवान ने देखिए कितने सारे जो है ना हाई लेवल पॉजिटिव फोर्सेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कुदरत के वे सारे जो है ना आज का दिन है वो काल की दृष्टि से बहुत आपको सपोर्टिंग करने वाला है। अब जिनके श्रीमुख से आप ये मुहूर्त लेने जा रहे हो वो आज जिन शासन के यूं क्या बोलते हैं कि तपा के छात्रपति के बाद के नंबर टू यानी कि आचार्य श्री पद्म सागर श्री सर जी महाराजा राष्ट्र संत तीर्थ उद्धारक सुरसुत उद्धारक, तो उनकी जो 90 बरस की जीवन की जो साधना है उसकी जो ओरा बनी है, उनकी जो अंदर की जो स्पिरिचुअल एक ऊर्जा बनी है उनकी, उनके श्री मुख से जब आप लेने जा रहे हो तो दैट टू हैज अ यूनिक वैल्यू। आप और किसी से भी लेते हो तो उसकी भी एक वैल्यू है, लेकिन ऐसे दिव्यतम विभूति के पास से, ऐसी महानतम विभूति के पास से जब आप ये उनके श्रीमुख से जब ये मुहूर्त का प्रोनाउंसिएशन आएगा तो वो भी मुहूर्त की मंगलकारिता को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। देखिए ये तो जो है ना बहुत भाग्यशालियों को ये सारे जो संयोग एक साथ इकट्ठ होकर के मिलते हैं यहाँ पे आकर के, भले आपके बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आपके बन करके यहाँ पे आके बैठे हैं वे भी तो अहमदाबाद के एकदम चुने हुए श्रेष्ठ उत्तम श्रावकों में से हैं, अग्रणी। अब इनका इतना समय लेना शायद एक साथ इतना संभव नहीं होता है, लेकिन बस परमात्मा की भक्ति है और आप लोगों के साथ का इनका जो लगाव जुड़ाव है कि वो भले भारत में रहे लेकिन दे टू जस्ट फील दैट यू आर दे फैमिली मेंबर्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी संघ, isn't it? हाँ, तो ये जो कैसा एक सौभाग्य का अवसर है कि ये ऋणानुबंध से बनता है प्रभु कृपा में। कभी जो किसी दिन आप लोगों ने कोई साथ में मिलकर के कोई भक्ति की होगी तो उसका ये जो है ना जाकर के आया है कि भले ज्योग्राफिकली आप जो है ना हजारों किलोमीटर डिस्टेंस पे बैठे हो लेकिन दिल से एक ही तंतु से जुड़े हुए हो, एक ही भावना से जुड़े हुए हो और एक ही टाइम पे एक ही संकल्प के साथ आप एक ऐसे महापुरुष की कृपा के पात्र बन करके और उनके श्रीमुख से ये मुहूर्त ग्रहण करने जा रहे हो, तो ये काल जो फोर्स है उसकी जो मैक्सिमाइज जो वैल्यू है वो आज निष्पन्न होने जा रही है, वो आज बाहर आने जा रही है। अब इसके साथ ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई इस दिन इस तारीख इस मुहूर्त में इतने बजे हमारे भगवान को हम हमारे जिन मंदिर में बैठाएंगे उसके साथ ही हृदय मंदिर में मेरे भगवान आने वाले हैं,
तो याद करो ना जीरण सेठ को, जीरण सेठ जी भावना भावे रे महावीर प्रभु घर आवे। हाँ खाली मेरे घर मेरे प्रभु चार मास के उपवास के बाद पाने के लिए मैंने विनती की है इसलिए आएंगे। और फिर तो उन्होंने जो उल्लास 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 किया था कि भाई यूं पूरी जो है गली को साफ करवा दिया और सुगंधित जल छिड़कवा दिया, दोनों तरफ जो है ना यूं फूलों की श्रेणी जो लगवा दी और पता नहीं और उल्लास उल्लास यूं प्रभु आएंगे यूं हम भौराएंगे ये भाव करेंगे वो भाव करेंगे। कहते हैं कि यदि यह धारा उनकी और चली होती तो वहीं पे उन्हें केवल ज्ञान हो जाता। इस हद तक जो है ना वो बहुत ऊंची भूमिका में चले गए थे। खाली भावना कि मेरे प्रभु आएंगे आज आएंगे अभी आएंगे बस देखता हूं, अरे अभी आएंगे अभी आएंगे। आप तो अभी कुछ यही चक्र चालू होने वाला है। एक जनरल टर्म में था यहाँ के भगवान आएंगे आएंगे होगी। अब ये ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले प्रभु पासे गुरु मिले। Just feel how privileged you are, how lucky you are. वैसे तो गुरु भगवंतों को तो आप जो है गोचरी की विनती करते हैं कि लीजिए लीजिए लीजिए। आज कुछ और विनती हो रही है कि दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ गुरु भगवंतों से आप कुछ लेने जा रहे हो, ज्ञान तो लेते हो लेकिन आज बहुत विशेष चीज लेने जा रहे हो कि भगवान हमको हमारे प्रभु को हमारे जिन मंदिर में पूरे उल्लास के साथ पूरे विधान के साथ पूरी जो है पवित्रता के साथ यूं विराजमान करना है कि यहाँ से जो है हर तरह से संघ की रिद्धि वृद्धि कल्याण जाहो जलाली हो जाए, बस शांति समृद्धि हो जाए, साथ साथ में आध्यात्मिक भी सारी की सारी जो है हमारी उत्कर्ष की वो दिशाएं खुल जाए, हमें जो भी आएगा यहाँ से प्रेरणा मिलती रहे, वैसा वह मुहूर्त दीजिए वह समय बताइए आपके श्रीमुख से हमें वह मुहूर्त दीजिए कि जिसमें हम यह कार्य करें आपके आशीर्वाद से और बस यहाँ पे चाहो जलाली हो जाए, हमारा आत्म कल्याण का मार्ग निर्विघ्न हो जाए प्रशस्त हो जाए, हम ही नहीं इस इलाके में आकर के बसने वाले या यहाँ पे अमेरिका से कभी जैसे भारत में तीर्थ यात्रा होती है वैसे अमेरिका में भी तीर्थ यात्रा हो और जितने भी लोग यहाँ पे आए इस आलम्बन से प्रभु आपकी समीपता को पाले, बस यह जो है ना वह गुरुदेव से आपके हृदय की भावों की विनती को आप जो है व्यक्त करें और उससे और फिर गुरुदेव अपने दिल की जो सारे हृदय के उद्गार है
जो अपने जो शुभ संकल्प है, सारी शुभ ऊर्जा है, उन सब से जो है ना वर्क करके आपको आशीर्वाद के साथ ये मुहूर्त भी प्रदान करेंगे। एक श्रेष्ठ कक्षा से ये मुहूर्त आपको मिल रहा है और चुन करके बड़ी पक्की गिनती करके और शास्त्रों में देखा गया कि भाई बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ सकता है, वो सब विचार करके आपके लिए ये मुहूर्त निकाला गया है। तो देखिए कि कैसे जो गुरु भगवान आपको आशीर्वाद के साथ ये मुहूर्त देते हैं। गुरुदेव श्री आप अहमदाबाद ट्रस्टी अने आप सब खड़े हो जाइए और विनती कीजिए हाथ जोड़ करके। आपकी ओर से प्रकाश भाई गुरु भगवान को विनती कर रहे हैं। गुरुदेव वाशिंगटन सन वती अहमदाबाद ट्रस्टी आपने विनती करे छे के शुभ मुहूर्त प्रतिष्ठान आप हमने आपो। बोलो बोलो शुभ मुहूर्त आपो। एक मिनट यूएसए जैन संघ द्वारा विनंती। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरीश्वर जी महाराज आदि गुरु भगवंतो ने कोटी कोटी वंदना। वॉशिंगटन जैन संघ आप श्री नो अत्यंत ऋणी छे। आप श्री ना पावन सानिध्य मा अमारा जिनालय ना प्रतिमाजीओ नी अंजन सलाका कोबा खाते थई जे प्रसंग अमारा माटे अविस्मरणीय रह्यो छे। पुनः આપશ્રીની એક કૃપાના આકાંક્ષી અમે છીએ। આપશ્રીના મંગલ હસ્તે અંજન થયેલ પ્રતિમાજીઓની પ્રતિષ્ઠાની મંગલ પ્રતીક્ષામાં છે। અમારો સમસ્ત શ્રી સંઘ આ મંગલ ઘડીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે। પ્રતિષ્ઠાનું મંગલ મુહૂર્ત પ્રદાન કરી અમારી આતુરતાને શાંત કરી અમારા પર પુનઃ એક વાર ઉપકાર કરવા આપ શ્રીને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ। આપ શ્રી જેવા પરમ પ્રભાવક પુણ્ય સમ્રાટ શ્રી હસ્તે થયેલ અંજન સલાકા કૃત પ્રતિમાજીઓનું મુહૂર્ત પ્રદાન પણ આપ શ્રીના શુભ હસ્તે થશે તો અમારો સંઘ ધન્ય બની જશે અને યુગો સુધી ભાવિકો અસ્ખલિત આરાધના કરતા રહેશે। પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા તેને લગતી તમામ પ્રક્રિયા આયોજન માટે પરમ પૂજ્ય નૂતન આચાર્ય ભગવાન શ્રી પ્રશાંત સાગર સુરી મહારાજ સાહેબનું માર્ગદર્શન મળે તે માટે તેઓ શ્રીને ભાવભરી નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ અને આપ શ્રી તેઓ શ્રીને આ માટે અનુમતિ પ્રદાન કરો તેવી આપ શ્રીને નમ્ર અરજ કરીએ છીએ। વોશિંગ્ટન સંઘ અહીંના વાતાવરણ અને સરકારી પરમિટ 15 જૂન થી 15 ઓક્ટોબર ના ગાળામાં પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત શનિ રવિ રાખવા માટે વિનંતી કરે છે। हमने आपो आशीर्वाद। बैसी जाओ बैसी जाओ। जिन मंदिर बनाने की मंगल भावना आप श्री संघ के लिए एक महान पुण्य उदय का कार्य है। बहुत सुंदर आपने जिन मंदिर निर्माण किया है, हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। बिना जिन मंदिर के, बिना आश्रय के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साधना का सबसे सुंदर
और सबसे सरल अगर कोई क्षीण आधारशिला है तो परमात्मा जनेश्वर की भक्ति, जिन मंदिर के द्वारा इस कार्य को आपने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण किया है। बहुत मेहनत और बड़े प्रयत्न के बाद और बड़े उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ आपने मंगल कार्य जो किया है, खूब खूब धन्यवाद के पात्र हैं। मुहूर्त तो हम विचार करके आपको देंगे और इतना श्रेष्ठ मुहूर्त निकालेंगे, आपका ये श्री संघ प्रतिदिन अभिवृद्धि प्राप्त करे, मंगलकारी बने और आपके हर कार्य के अंदर प्रतिष्ठा का ये मंगल कार्य सहायक बने, आपके आत्मविकास में भी सहायक बने। अनेक वर्षों तक ये जिन मंदिर लोगों को धर्म की प्रेरणा देता रहेगा। मंदिर तो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, इतिहास की कड़ी मंदिर के द्वारा जुड़ी हुई है। बहुत प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी मंदिर की झलक आपको मिलेगी। आगमों में हर जगह इसका उल्लेख है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के पास निकट पहुँचने के लिए ये वर्तमान काल के अंदर सबसे सरल साधन। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही सूत्र मझार, परमात्मा को परमात्मा ही समझ करके, जीवित परमात्मा है उस भावना से परमात्मा की अपूर्व भक्ति करें, तो भक्ति के द्वारा, भावनाओं के द्वारा आप स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने में सफल बने। तो मुहूर्त भी समय आने पर आपको मैं प्रदान करूँगा। जैन पद्धति से जिस प्रकार से मुहूर्त निकाला जाएगा परमात्मा की जन्म राशि से और आपके श्री संघ के द्वारा, श्री संघ के नाम से, स्थान के नाम से, अनेक प्रकार से मुहूर्त देखने की विधि है और मंगल ये अनुष्ठान प्रतिष्ठा का ये बड़ा महत्व रखता है। प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठा कराने वाले इस कार्य के अंदर अपने अपूर्व भावना से इस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो मेरा यही कहना था, आपकी भावना सफल बने। आपने जो पुण्य कार्य किया है आपके आत्मा के लिए, प्रभु के लिए, आत्मविकास के लिए, उसके अंदर में आपका ये कार्य सहायक बने। मैं अंतर से आपको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ आपकी उदारता के लिए। बहुत आपने प्रयत्न किया है, इतनी बड़ी दूरी पर विदेश में जाकर जो धर्म की प्रभावना का कार्य आपने किया है वो खूब खूब अनुमोदनीय कार्य है। तो मैं आपको फिर से एक बार आशीर्वाद देता हूँ और मुहूर्त का समय भी आपको 14 तारीख 15 सितंबर के दिन पूज्यपाद अपने गुरुदेव श्री 89 ईयर्स कंप्लीट करके 90वें वर्ष में प्रवेश है और उसी दिन 15 सितंबर के दिन पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से वॉशिंगटन जैन श्री संघ का प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त पूज्य गुरुदेव श्री अपने श्रीमुख से घोषणा करेंगे 15 सितंबर। साहेब एक रिक्वेस्ट, ए दिवसे अमने बदाने अपना दर्शन थई सके अने फरीथी आवो एक मोल रचिए ने बहु लोको आवी शकशे एने आप अमने नवु अमारु मुहूर्त ए वखते डिक्लेर करजो। एज वखते मुहूर्त मने आपवामां आवशे અને ગુરુ મહારાજ ના જન્મદિવસ નો કાર્યક્રમ આપ લાઈવ જોઈ શકશો, એ બધું આપણું બધું વ્યવસ્થિત ત્યાં આગળ બધું કરી દઈશું। એકદમ સરસ રીતે ગુરુ મહારાજ ના હૃદયથી આશીર્વાદ છે, વચન સિદ્ધ પુરુષ છે અને એમના મુખે નીકળેલા શબ્દો એ આપણામાં સર્વ શ્રી સંઘ માટે મંત્ર સમાન જ સ્વરૂપ સાબિત થાય છે, એટલે ગુરુ ભગવાન દે ખૂબ હૃદયથી આશીર્વાદ આપે છે। પ્રતિષ્ઠા એ જ મંગલ છે, भगवान ने प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में हमें आप ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जैसे ये आप मंगले हाथ जोड़ो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सभसाहुनम, एशो वंच नमुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सर्वेशम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वाष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगण दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक उपसर्गाः क्षेम यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय श्री शासनं जय श्री जय। अपना संघनो जे पण कार्य बाकी छे गुरु महाराज ना आशीर्वाद थी आपणो बधु मार्बल नो मकराणा नो बधु जे पण कार्य छे अने भारत नी अंदर पण आपणा योग्य श्रावक प्रकाशभाई કુશલભાઈ હેમલભાઈ પિયુષભાઈ અને ભારત ખાતેના જે પણ ટ્રસ્ટી છે હવે બે દિવસમાં બધી અમને જવાબદારી સોંપીને જલ્દીથી જલ્દી આપનું કામ પૂરું થાય ગુરુ ભગવાનના આશીર્વાદથી પરમાત્માની કૃપાથી ખૂબ જ જલ્દી બધા જે પણ અધૂરા કાર્યો છે એ બધા કાર્યો પરિપૂર્ણ થશે। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले प्रभु पासे गुरु मिले गुरु पासे प्रभु मिले।